हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहां से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए डाउनलोड करना होगा आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और इसके डाउनलोड करने के साथ ही आप जुड़ जाते हैं इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको जीएस में इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास ले रहा हूँ, और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है एंथ्रोपोलॉजी हिंदी माध्यम ले रहा हूँ। मेरा कोड UGM10 है। इसके साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। देखिएगा, यूपीएससी द्वारा जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जीएस के लिए दो कोर्स ऑफर किए गए हैं। एक है प्लस कोर्स है, दूसरा आइकॉनिक कोर्स है। प्लस कोर्स जो है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए है। जैसे 12 मंथ का फीस जो है 49,500 रुपये। अगर मेरा कोड UGM10 के साथ आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो 44,550 रुपये आपको फीस स्ट्रक्चर लगता है। इसी प्रकार जो है ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जो है अवेलेबल है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए, जो 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का फीस है। अगर आप इसमें मेरा कोड यूज़ करते हैं UGM10 तो आपको 10% का फायदा मिलता है। अभी अनअकैडमी ने 2021 को टारगेट करते हुए प्री एग्जाम को बाइलिंगुअल क्लास चालू किया है टॉप एजुकेटर के साथ। आप अपने जुड़कर इसके साथ क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसी प्रकार 2022 और 2023 के लिए कंप्लीट जीएस बैचेस जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए लॉन्च किया गया है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। अब जो भी आप कंफर्टेबल जिस जोन में हैं उस जोन से आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और टॉप एजुकेटर के साथ अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी जो है आइकनिक जो कोर्सेज के जो प्राइस हाइक होने वाले हैं, और इसलिए आप आइकनिक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 1 ईयर्स के लिए तो बिल्कुल ज्वाइन कर लें। और अभी इस सत्र में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको लगभग 7-8,000 रुपये का फ़ायदा मिल सकता है। और मेरा कोड UGM10 के साथ आप एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दीजिए। स्टूडेंट, आज हम लोग जो है अपने राज्य व्यवस्था की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को आज डिस्कस करने वाला हूँ केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो संबंध है, और केंद्र और राज्यों के जो मध्य संबंध है हम जान ही रहे हैं इस चीज़ों को कि संविधान का भाग 11 एवं 12 अगर मिला दिया जाए तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो है संबंधों पर चर्चा करता है। और हम जानते हैं कि इस आने वाले क्लास में हम ये सब पढ़ेंगे केंद्र राज्यों के मध्य जो संबंध है। बेसिकली जो है केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है वह 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और एक जो है विधायी संबंध होते हैं, दूसरा प्रशासनिक संबंध है, और तीसरा जो है वित्तीय संबंध है। तो संविधान का अगर हम भाग 11 की बात करते हैं तो भाग 11 में जो है यह विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध की बात करता है, और इसी प्रकार अगर हम भाग 12 की बात करते हैं तो वह वित्तीय संबंध की चर्चा करता है। क्लियर चीज है ये? तो आप प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से और स्टेट पीएससी एग्जाम इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन आते हैं, आपके मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध पर चर्चा कीजिए, केंद्र राज्यों के विधायी संबंध की पर, या फुल लेंथ क्वेश्चन होते हैं केंद्र राज्यों के मौजूद संबंध है उस पर आप डिस्कशन कीजिए, ठीक है। और इस संदर्भ में हम आज देखेंगे इस चीज़ों को, जिससे आपका प्री और स्टेट पीएससी का प्री और मेंस की सारी जो संभावनाएं हैं क्वेश्चन आने की, और ये क्लास करने के बाद आप जो है उस क्षेत्र में कम्फर्टेबल अपने आप को महसूस करेंगे, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध है, और केंद्र राज्य के मध्य जो संबंध है उसको हम बेसिकली विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध के संदर्भ में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भारत क्या है आपको मालूम है? भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो भाग 11 केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी और प्रशासनिक संबंध की चर्चा करता है, और इसी प्रकार भाग 12 जो है वो वित्तीय संबंध की चर्चा करता है। और इसी संदर्भ में हम अपना क्लास देख रहे हैं, जैसे संविधान भाग 11 है अनुच्छेद जो है देखिएगा 245 से लेकर 255 तक,
या जो है विधायी संबंध की चर्चा करता है। इसी प्रकार 256 से 263 जो है प्रशासनिक संबंध की चर्चा करता है। 268 से लेकर इसको ऐसा चीज हम 308 आर्टिकल तक मान सकते हैं जो क्या करता है, वह वित्तीय संबंध की चर्चा कर विभिन्न प्रकार के वित्तीय संबंधों की यह क्या करता है, चर्चा करता है। तो ऐसे 268 से 293 तो है, लेकिन हम 300 तक भी मान सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो वित्त से संबंध हैं, तो इसको हम ले सकते हैं। इसको यहाँ तक ये चीजें भाग 13 के आर्टिकल 268 से 300 तक ले सकते हैं इसको। तो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक और वित्तीय संबंध के संदर्भ में हम बात करते हैं, और तीन सेक्शन में हम बांट के पढ़ रहे हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध, केंद्र राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध, और केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध। क्लियर है? तो हम जो सबसे पहले जो है हम विधायी संबंध की चर्चा करते हैं, और जो विधायी संबंध की हम बात करते हैं तो देखिएगा, केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध है वह स्पष्ट रूप से संविधान के द्वारा क्या कर दिए हैं, उसका सीमांकन कर दिया गया है। और विधायी संबंध का जो तात्पर्य है वह किससे है, कानून बनाने की प्रक्रिया से है। किससे है, वह कानून बनाने की प्रक्रिया से है। विधायी संबंध का संबंध किससे है, तो हम सबसे पहले जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो है विधायी संबंध पर हम चर्चा करते हैं। और देखिएगा विधायी संबंध का संबंध किससे है, अब देखिएगा विधायी संबंध का जो संबंध है वो किससे है, कानून बनाने की प्रक्रिया से। किससे है, यह कानून बनाने की प्रक्रिया से है, और जिसका वर्णन जो है अनुसूची संविधान के अनुसूची 7 में किया गया है। और यहाँ पर जो है सूचियां दी गई हैं, क्या दी गई है, लिस्ट दिया गया है। और लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं आपको मालूम है, लिस्ट कितने प्रकार के हो रहे हैं, लिस्ट जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, लिस्ट जो है वह 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, लिस्ट 3 प्रकार के होते हैं। और ये देखिए कौन कौन सी लिस्ट है, देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए पहला लिस्ट है संघ सूची, ठीक है। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, पार्लियामेंट को। किसको है, केंद्र को है। किसको है, केंद्र को है। तो स्पष्ट रूप से क्या किया गया है, यहाँ पर विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और विधायी शक्तियों का मतलब है कानून बनाने की शक्ति से है। तो वह विषय जो संघ सूची के विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, केंद्र सरकार को होगा। किसको होगा, केंद्र सरकार को होगा। क्लियर है? मतलब केंद्र सरकार मतलब किस कौन होगा, यह पार्लियामेंट। क्लियर है चीज है ये, ठीक है। और इस सूची में लगभग जो है देखा जाए तो मूल में तो 97 विषय था, लेकिन अभी 100 के आसपास, मतलब 99 सब्जेक्ट और 100 सब्जेक्ट तक पहुंच गया है ये, लेकिन मूल में क्या था, यह 97 सब्जेक्ट। तो आप 99 भी बोल सकते हैं, 100 भी बोल सकते हैं, लेकिन जो मूल अगर बात करते हैं मूलतः 97 सब्जेक्ट हैं। तो वह विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, पार्लियामेंट को है या केंद्र सरकार को है, ऐसे सूचियों को हम क्या कहते हैं, संघ सूची कहते हैं। जैसे आप मालूम है, जैसे जैसे रक्षा है, बैंकिंग है, फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। ऐसे भी जैसे विषय हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको, जैसे पोस्टल सर्विसेज है, ठीक है, रेल है, इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, संघ सूची को होगा, तब केंद्र सरकार को होगा। और ऐसे विषय कौन से हैं, केंद्र संघ सूची के विषय के अंतर्गत रखे गए हैं। क्लियर चीज है ये। और इसी प्रकार दूसरा कौन सा सूची है, देखिए दूसरा जो है राज्य सूची है, और इन विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया है, राज्य सरकारों को दिया। राज्य सरकारों को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जैसे कौन कौन से देखिए, जैसे पुलिस है, स्थानीय स्वशासन, हमने स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में आपको बताया था ना, पंचायत और नगरीय निकाय किस सूची में डाला गया है, राज्य सूची के विषय में डाला गया है, ठीक है। जन स्वास्थ्य है, सार्वजनिक व्यवस्था है, और इसमें कितने विषय हैं, लगभग 66 विषय हैं इसमें। कितने विषय हैं, लगभग 66 विषय इसमें शामिल किए गए हैं। तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, राज्य सरकारों को होगा। केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, केंद्र सरकार को होगा। भारत के संविधान में सूचियों का वर्णन कहाँ किया गया है, भारत के संविधान में सूचियों का वर्णन जो है वह अनुसूची 7 में किया गया है। क्लियर चीजें, क्लियर है यहाँ पर। और तीसरा जो सूची है, कौन सा सूची है वह, देखिएगा तीसरा जो सूची है वह है समवर्ती सूची। कौन सी सूची है, समवर्ती सूची है, और वे
ऐसे विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो है पार्लियामेंट मतलब केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। क्लियर चीजें हैं, याद रखिएगा। समवर्ती सूची में ऐसे कितने विषय, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर द्वंद्व की स्थिति में है, एक ही विषय पर केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया है, उसी विषय पर अगर राज्य सरकार भी कानून बनाती है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। याद रखिएगा, समवर्ती सूची में क्या होगा, वो ये इन विषयों पर ऐसे सब्जेक्ट रखे गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वह संसद और राज्य सरकारों दोनों के पास है, ठीक है। लेकिन किसी विषय पर दोनों में अगर विवादास्पद की स्थिति आ जाती है, दोनों ने ही एक विषय पर कानून बना लिया है और वो विवादास्पद स्थिति पे है, द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो अभी जो है समवर्ती सूची में सब विषयों की संख्या कितनी, अभी जो समवर्ती सूची में विषयों की संख्या जो है वह 47 है, इसको याद रख लीजिएगा। कितना है? 47 विषय जो हैं वह समवर्ती सूची के अंतर्गत हैं, जैसे शिक्षा, वन्य जीव पक्षी संरक्षण, कृषि, ये सब किसके विषय में है? समवर्ती सूची के विषय में है। इसलिए केंद्र सरकार ने क्या है, कृषि कानून लेकर आए, कृषि राज्य का विषय है और केंद्र का भी विषय है, याद रखिएगा चीजों को, ठीक है। तो सूचियों के माध्यम से जो है विधायी विषयों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकारों को है। और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें, राज्य और केंद्र, दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन अगर द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इसके अलावा एक और सूची है जिसको हम बोलते हैं अवशिष्ट सूची, जिन वो विषय इसमें शामिल के रहेंगे जो इन तीनों सूचियों के भाग नहीं हैं, और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वह किसका होगा? हमेशा केंद्र सरकार का होगा। याद रखिएगा कि अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है किसका होगा? हमेशा केंद्र सरकार के पास होगा। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो वे विषय जिन पर नियम बनाने का अधिकार केवल किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। और वे वो विषय हैं जिनका उल्लेख जो है तीनों सूचियों में नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? तीनों सूचियों में इनका तीनों सूचियों में जो है इनका वर्णन नहीं किया गया है। तो ऐसे विषय किसमें आएंगे? वह अवशिष्ट सूची के विषय में आएंगे। क्लियर चीज है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है सब चीजें आप लोगों को, ठीक। तो केंद्र और राज्य विधान की जो है देखिएगा सीमांत क्षेत्र कौन कौन से, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? विधायी शक्तियों का बंटवारा जो है स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ चीजें मैं और आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, केंद्रीय सरकार संपूर्ण भारत के क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। दूसरा, राज्य अपने पूरे राज्य के लिए, राज्य सरकार जो है पूरे अपने राज्य क्षेत्र के जहां जहां उसकी टेरिटरी आती है उसके संदर्भ में कानून बना सकती है। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान का अधिकार केवल संसद के पास है। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान का अधिकार क्या होता है? संसद के कानून चार केंद्र शासित प्रदेश पर नहीं लागू होते हैं। कहाँ? दमन एवं दीव, अंडमान निकोबार और दादर तथा नगर हवेली, लक्षद्वीप, क्योंकि यह राष्ट्रपति का क्षेत्रीय अधिकार है। याद रख लीजिएगा पॉइंट्स को, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा देगा, संसद अनुसूची 5 और 6 में वर्णित क्षेत्रों में कानून नहीं बना सकती है। यह किसका है? राष्ट्रपति का क्षेत्रीय अधिकार है। किसका है? यह राष्ट्रपति का क्षेत्रीय अधिकार है। क्लियर चीज है ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को मैं बता दिया। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो है शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया है। क्लियर चीजें, इसके संदर्भ में कुछ और है जो आर्टिकल वाइज हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद जो है 248 क्या बोलता है। देखिएगा 248 के अंतर्गत ऐसे विषयों का वर्णन किया गया है जो किसी विषय में सूची में नहीं है, उनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। भारतीय संविधान के अनुसार विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित और एकता हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार रखती है।
चीजें, तो आर्टिकल 248 क्या बोलता है यह, क्या बोलता है यह, वह अवशिष्ट सूची की बात कर रहा है कि ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों के अंतर्गत नहीं है उन पर विषय बनाने का अधिकार किसको होगा, केंद्र सरकार को होगा। किसको होगा, केंद्र सरकार को होगा। देखिए आर्टिकल 249, और आपको मालूम है विधायिका के संदर्भ में, मतलब विधायी संबंध जो है आर्टिकल 245 से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर चीजें ये, और 255 तक है। उस संदर्भ में आर्टिकल, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम देख रहे हैं। देखिएगा आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के विषय को बहुमत 2/3 से राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। हमने राज्यसभा की स्पेशल शक्तियां जब पार्लियामेंट पढ़ रहे थे तो पढ़े थे हमने, ठीक है, क्या ये राज्यसभा का क्या है, इस पे अगर यदि राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को विशेष बहुमत के द्वारा, मतलब 2/3 मेजोरिटी के साथ उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है, तो संसद उस विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु यह विधि केवल 1 वर्ष तक प्रभावी रहती है, इसे आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। क्लियर चीजें, लेकिन यह प्रक्रिया फिर से वैसे ही होकर गुजरती है। तो आर्टिकल 249 क्या कहता है कि राज्य सूची के विषय पर भी क्या कर सकता है, केंद्र कानून बना सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेगा, और उसके बाद ही संसद इस विषय पर क्या करेगी, कानून बनाने की उसको शक्ति मिल जाती है, और यह विधि जो है 1 वर्ष तक के लिए क्या रहता है, प्रभावी रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 250 के अनुसार राज्य की समस्त विधायी शक्तियां जो है संसद का एकाधिकार हो जाता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक ही यह विधि प्रभावी रहती है। मतलब इन सेंस ऑफ इमरजेंसी अगर लग जाता है तो राज्यों में अगर इमरजेंसी लग जाता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाती है, उस संदर्भ में भी संसद को विधायी शक्तियों पर संसद का अधिकार हो जाता है कि वो राज्य के संदर्भ में क्या कर सकते हैं, कानून का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर चीज है ये। अब अनुच्छेद 252 को देखिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसके अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों की विधानमंडल यह प्रस्तावित पारित कर दें कि इस विषय के संबंध में जो राज्य सूची का विषय है हमारे लिए संसद कानून बना सकता है, उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को प्राप्त हो जाता है। क्लियर है, कहने का मतलब है राज्य सरकारें भी मतलब क्या कर सकती है, राज्य सूची के विषयों पर दो या दो से अधिक राज्य आपसी करार करके यह एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इस विषय पर, यह राज्य सूची का विषय है और इस विषय पर हम दोनों राज्यों के लिए क्या करें, केंद्र सरकार कानून का निर्माण करे, तो यह दोनों राज्य ऐसा एग्रीमेंट करके, एग्रीमेंट तो ऐसे सहमति अपने अपने विधानसभाओं से ऐसा पारित करवा देती हैं, उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को मिल जाता है, मतलब पार्लियामेंट को मिल जाता है, अगर अन्य राज्य भी इसे अपनाना चाहे तो वह अपना सकता है। क्लियर चीज है ये, आर्टिकल 252 के संदर्भ में हो गया ये, ठीक है। तो आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय को राज्यसभा क्या कर सकती है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है 2/3 बहुमत से, और संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। आर्टिकल 250 इमरजेंसी के समय जो है राज्य की समस्त विधायी शक्तियों पर संसद का अधिकार हो जाता है। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्य अपने राज्यों की विधानसभाओं से यह पारित करवा देते हैं कि राज्य सूची के विषय पर हमारे लिए जो है कानून बनाने का कानून राज्य सरकार केंद्र सरकार बनाए, तो केंद्र सरकार जो है इन दोनों राज्यों के लिए क्या कर सकती है, किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अगर यदि अन्य राज्य भी इसे मानना चाहें तो मान सकते हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो देखिएगा अनुच्छेद 249 राज्य संसद को अधिकार दे देता है, मतलब राज्य सूची के विधि निर्माण करने की शक्ति जो राज्य सरकारों संसद को प्राप्त हो जाता है, तो किस 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जिस पर राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसको मिल जाता है, संसद को मिल जाता है। आप लोगों के बहुत सरल फॉर्म में आया हूँ, सभी तरह से इधर से उधर से नहीं मतलब सभी तरह से आपको मैं याद करवा देना चाहता हूँ कि आप इसको केंद्र राज्य संबंधों को जो है अच्छे से पढ़ लें। ठीक
ठीक है। अब देखिएगा इसे क्वेश्चंस आते हैं आर्टिकल 249 से, तो बार बार क्वेश्चन जो है यूपीएससी और स्टेट पीएससी प्री एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो वह पांच कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिस पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को मिल जाता है। दूसरा जो है, पहला तो आर्टिकल 249 के संदर्भ में, दूसरा जो है अगर, ठीक है, और दूसरा जो है राष्ट्रीय आपात के समय में, तीसरा अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने हेतु, तीसरा चौथा दो या दो से अधिक राज्य अब केंद्र से यह निवेदन करे आर्टिकल 252 के तहत, ठीक है, और अगर राष्ट्रपति शासन लग गया है मतलब आर्टिकल 356 अगर लग गया है राज्यों में, तब भी क्या हो जाएगा, अगर केंद्र को क्या मिल जाएगा, इसकी विधायी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं। ये पांच परिस्थितियां हैं जिस पर राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकता है, संसद कानून बना सकता है। क्लियर चीज है ये। राज्य विधानमंडल पर केंद्र का निर्णय नियंत्रण, देखिएगा राज्यपाल द्वारा, सोचिए सब तरफ से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को स्वीकृति हेतु भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो कर सकता है। आपको आर्टिकल याद आ रहा है आर्टिकल 200 और 201 के संदर्भ में। क्लियर चीज है ये। वित्तीय आपात के समय राज्य के धन विधेयक पर रोक लगाने हेतु राज्य सरकार विधानमंडल को निर्देशित कर सकती है। राज्य सरकार जो है वह विधानमंडल को क्या कर सकती है, निर्देशित कर सकती है। आर्टिकल 265 व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला संबंधित विधेयक के तहत लगाए गए विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के पश्चात ही लागू किया जा सकता है। ये भी पॉइंट भी नोटेड। राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 201 के संदर्भ में, वित्तीय आपात के समय में और अनुच्छेद 265 के संदर्भ में आप इसको देख सकते हैं। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं, फिर से हम लोग आर्टिकल के एक बार रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 248 क्या है, अवशिष्ट शक्ति की बात करता है। आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय को अगर किसी राष्ट्रीय महत्व का घोषित कौन करता है, राज्यसभा कर सकता है दो तिहाई बहुमत से। आर्टिकल 250 इन द केस ऑफ ये नेशनल इमरजेंसी, मतलब पूरा आपातकाल के समय जो है राज्य की विधायी शक्तियां किसके पास आ जाती है, केंद्र के पास आ जाती है। आर्टिकल 251, 249 और 250 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 252 आपने पढ़ा है अभी। आर्टिकल 203 अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लागू करने के लिए केंद्र राज्य विषय पर कानून बना सकता, हमने देखा ना वो पांच परिस्थितियां कौन सी हैं, ठीक है। आर्टिकल 254 समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार विधि, केंद्र राज्य सरकारों के दोनों ने ही कानून बनाया है, और केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। क्लियर चीज है ये। तो आप लोगों को ये सब चीज क्या हो गया, अच्छे से या याद हो गया, ठीक है। आर्टिकल 248, 249, 251, 252, 253, 254। क्लियर चीजें। केंद्र और राज्यों के मध्य जो है विधायी शक्तियां जो है सूचियों के माध्यम से स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और एक और सूची हमने पढ़ा, अवशिष्ट सूची, वह विषय जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है वो अवशिष्ट सूची का विषय माना जाएगा, और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, केंद्र सरकार को मिल जाता है। क्लियर है चीजें, आप लोगों को सारी चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र राज्यों के मध्य जो है प्रशासनिक संबंध, ठीक है। तो केंद्र राज्यों के मध्य जो प्रशासनिक संबंध समझना है, तो आप हमेशा बात मानिएगा, ये बात को समझिएगा, जब ये प्रशासनिक संबंध आप पढ़ते हो ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, तो हमेशा याद रखिएगा केंद्र और राज्यों के मध्य जो प्रशासनिक संबंध है वह केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को दिए जाने वाला आदेश और निर्देश से है। क्लियर है। प्रशासनिक संबंध किससे है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाने वाला क्या है, केवल निर्देश और आदेश है। तो निर्देश आदेश कौन देता है, तो निर्देश आदेश देता है केंद्र सरकार, किसको देता है, राज्य सरकारों को देता है, राज्य सरकार को देता है। मतलब निर्देशात्मक है, आदेशात्मक है ये संबंध, कैसा है यह, निर्देशात्मक है और आदेशात्मक संबंध, आदेशात्मक संबंध है। इसी से आप समझिएगा केंद्र सरकार क्या करती है, राज्य सरकारों को निर्देश या आदेश देती है।
ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों में जो मतलब हमेशा जो है प्रशासनिक संबंध में केंद्र सरकार ही क्या होगा, सुपीरियर है, राज्य सरकारें उस पर कभी भी हावी नहीं होती है। क्लियर, मान लीजिए हम संबंधों को समझ रहे हैं, केंद्र राज्य संबंध जो प्रशासनिक संबंध है एक दूसरे के पैरेलल चलती है, जहां पर यह एक दूसरे को क्रॉस करती है वहां पर केंद्र सरकार ही क्या है, डोमिनेट है। केंद्र सरकार क्या है, डोमिनेंट है, प्रभावी है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य सरकारें के बीच जो प्रशासनिक संबंध है वो हमेशा याद रखिएगा कैसा है, आदेशात्मक और निर्देशात्मक है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। देखिएगा अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक जो है वह एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करता है, किससे बात करता है, वह प्रशासनिक संबंध की बात करता है, संविधान 256 से लेकर आपका आर्टिकल 263 तक हम इसको देखते हैं। तो देखिए आर्टिकल 256, राज्यों की कार्यपालिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि संसद की अधिनियमित में अड़चन न आए। तो कहने का मतलब है राज्य अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि केंद्रीय कानून के लागू होने में कोई बाधा न उत्पन्न हो। क्लियर चीजें, तो राज्य की कार्यपालिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि केंद्र के कानून को लागू होने में इसमें कोई बाधा न हो। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब यह प्रशासनिक संबंध पढ़ते हैं केंद्र और राज्य के मध्य, तो हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट को, तो केंद्र द्वारा प्रशासनिक संबंध जो है केंद्र राज्यों के बीच कैसा है, वह आदेशात्मक और निर्देशात्मक है। इसका केंद्र सरकार का राज्य सरकारों की ओर से तरफ से, ठीक है, केंद्र सरकार के लिए राज्य सरकारों को, ठीक है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को क्या करती है, आदेश और निर्देश देती है। ठीक है, आर्टिकल 257 देखिएगा, राज्यों की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिक शक्ति में व्यवधान न आए। मीन्स क्या है, राज्य अपने कार्यपालिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करेगा कि केंद्रीय कार्यपालिका के कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। क्लियर चीजें, ठीक है। कहने का मतलब है केंद्र सरकार राज्यों को रेल सेवाओं के प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे सकता है। क्लियर चीज है ये, केंद्र सरकार संचार साधनों के निर्माण के लिए क्या कर सकता है, उसके संचालन के लिए, उसके देखरेख के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है। यदि वह ऐसे निर्देश का पालन नहीं करता है तो अनुच्छेद 365 के तहत यह राज्य के संवैधानिक तंत्र को विफलता माना जाएगा और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पॉइंट भी नोटेड। आर्टिकल 257 को देखिएगा, आर्टिकल 257 में दो बातें की गई हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में किसी प्रकार का व्यवधान न आए। दूसरा इसमें है, केंद्र रेल एवं संचार माध्यमों की रक्षा एवं उन्हें बनाए रखने के लिए राज्य को निर्देश देता है। अगर मान लीजिए ऐसा निर्देश का पालन अगर राज्य करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है तो समझा जाएगा कि वह संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। इस आधार पर आर्टिकल 365 के तहत जो है, आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्लियर चीज है ये बात को अच्छे से आप समझ लीजिए चीजों को, ठीक है, आर्टिकल 257 को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। 258 क्या है कि केंद्र संसदीय अधिनियमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य के प्रशासनिक तंत्र का उपयोग कर सकता है और केंद्र को किसी राज्य में बिना उसकी सहमति से सैनिक या अर्धसैनिक बल तैनात करने की शक्ति है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, इसको अनुच्छेद 238, केंद्र संसदीय अधिनियमों के क्रियान्वयन के लिए, मतलब तो मान लीजिए कोई चुनाव करवाना है, चाहे कोई भी चीज काम करवाना है कि या केंद्रीय जो कोई भी कानून ऐसा बनाया गया है उसको लागू करवाना है तो वह क्या कर सकता है, राज्य के प्रशासनिक तंत्र का उपयोग कर सकता है और राज्य के बिना सहमति से वह वहां पे क्या कर सकता है, सैनिक और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी कर सकता है। यह केंद्र का क्या है, यह केंद्र को यह आर्टिकल 258 के तहत जो है शक्ति प्रदान की गई है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। आर्टिकल देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा,
आर्टिकल 262 को देखिएगा, यह अनुच्छेद संसद को अंतरराज्यीय जल के विवाद के समाधान के लिए विधि बनाने का शक्ति देता है। मतलब तो इंटर स्टेट्स वाटर ट्यूनल के तहत क्या करेगा, वह इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्यूनल गठित करने का अधिकार जो है वह दे रहा है। इस प्रकार इसके तहत संसद ने अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया और इसके अनुसार ऐसे विवादों का निर्णयन करने के लिए राष्ट्रपति जो है इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्यूनल का गठन करेगा और ऐसा विकरण जो है ये पंचाह को एक बार केंद्रीय के राजकीय गजह में अधिसूचित कर देने के बाद यह संबंधित पक्षों पर बाध्य हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर दो राज्यों में किसी प्रकार का जल विवाद है नदी को लेकर, तो उसके लिए क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्यूनल का गठन करेगा और इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्यूनल जो भी निर्णय देगा वह भारत के राजपत्र में अगर प्रकाशित हो जाता है तो वह जो है दोनों राज्यों पर वह बाध्य हो जाएगा, दोनों राज्यों को उसको मानना पड़ेगा। क्लियर सीज में यह केंद्र राज्यों के संदर्भ में प्रशासनिक संबंध की बातें किया, आर्टिकल 262 क्या बोल रहा है, इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्यूबनल के गठन करने की बात कर रहा है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। अनुच्छेद 312 देखिए, आपको मालूम है अनुच्छेद 312 किससे रिलेटेड है, ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी कौन होते हैं, आईएएस होता है, आईपीएस होता है और राज्य वन सेवा के अधिकारी होते हैं और इनका यूपीएससी के माध्यम से सिलेक्टेड होते हैं, लेकिन उनके जीवन पर्यंत जो है जिस राज्य का उनका कैडर एलोकेशन होता है उस राज्य की सेवाएं देते हैं, ठीक है। लेकिन केंद्र राज्य सरकारों के आईएएस आईपीएस और आईएफएस के माध्यम से क्या करता है, वहां के प्रशासन को नियंत्रण करने का कार्य करता है, ठीक है। अनुच्छेद 352 के संदर्भ में देखिए, जब राज्य में जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति कायम हो जाती है तो केंद्र जो है राज्यों को किसी भी विषय पर प्रशासनिक निर्देश दे सकता है और वहां के क्या होता है आरटीओ, जब नेशनल इमरजेंसी हो जाता है तो क्या होता है, तो केंद्र राज्यों को किसी भी विषय पर क्या कर सकता है, प्रशासनिक निर्देश दे सकता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। अनुच्छेद 258 के तहत संघ और राज्यों के मध्य कार्यपालिका कृतियों के आदान प्रदान के लिए प्रबंध है। भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को पूर्व सहमति से संघ के एक या अधिक कार्यपालिक कृतियों को राज्य को सौंप सकता है, इसी तरह राज्य भी कर सकते हैं। क्लियर चीजें। इसके अलावा देखिएगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में है क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल्स की गठन की बात करिए, क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, ठीक है। तो संसद द्वारा पारित राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था और बाद में 1971 में जो है 6वीं क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया जिसका नाम था उत्तर पूर्व। पहले 5 कौन थे, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य, और उसके बाद क्या हो गया, उत्तर पूर्व का। अभी तो वर्तमान में कितने जोनल काउंसिल्स हैं, अभी वर्तमान में जोनल काउंसिल की संख्या जो है कितनी है, 6 है, कितनी है, 6 जो है जोनल काउंसिल्स हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का प्रधान संघ गृह मंत्री होता है, मतलब केंद्र सरकार का कौन होगा, गृह मंत्री होगा और इसमें सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव जो है यह जोनल काउंसिल्स में शामिल होते हैं, जो संबंधित राज्यों के हर प्रकार की समस्याओं का जो है समाधान करते हैं और एक सर्वसम्मति से कोई नियम कानून का निर्माण करते हैं। क्लियर चीजें। अंतरराज्यीय विवादों के समाधान में क्या करता है, इंटर जोनल जो काउंसिल्स है, क्षेत्रीय जोनल जो काउंसिल्स है वह अंतरराज्यीय विवादों के समाधान में मदद करता है, क्षेत्रीयवाद की भावना को रोकता है और आपसी हित के क्या करता है, यह अभिवृद्धि करता है। आपसी हित के लिए क्या करता है, ये अभिवृद्धि करता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। ये जोनल काउंसिल हो गया, ठीक है। जोनल काउंसिल का भी संबंध के केंद्र राज्य के संबंध के ऊपर है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बना हुआ है ये। क्लियर चीज है ये। तो अब देखते हैं अखिल भारतीय सेवा, आपने पढ़ा अखिल भारतीय सेवा के संदर्भ में क्या है, केंद्र भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के माध्यम से क्या करता है, वह
वह राज्य सरकारों के प्रशासन पर नियंत्रण करता है। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भले ही राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन वो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। दो या दो से अधिक विधान मंडलों ने अनुरोध कर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया है तो क्या कर सकता है, उसके लिए राष्ट्रपति जो है संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और संसद जो है उस दोनों राज्यों के लिए क्या कर सकता है, जो है जॉइंट जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का संयुक्त लोक सेवा आयोग का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। इससे भी संबंधित आर्टिकल जो है वो 315 ही है। क्लियर चीज है ये। तो अखिल भारतीय सेवा के संदर्भ में देखा, ठीक है, दो या दो से अधिक विधानसभा जो है अगर संसद को अनुरोध करते हैं कि उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। उसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। केंद्र राज्य के मध्य सहयोग जो है आर्टिकल 268(1) के संदर्भ समझा, 262 के तहत क्या है, इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल, अंतर्राज्यीय जल विवादों को समाधान करने के लिए जो है इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल गठन करने की बात की गई है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। उसके अलावा जो है देखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध को हम क्या बोले हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो प्रशासनिक संबंध है वो क्या है, आदेशात्मक है और निर्देशात्मक है। केंद्र सरकार को इसको पालन ही करना होता है। अगर केंद्र सरकार इसको पालन नहीं करता है तो क्या माना जाएगा, वह आर्टिकल 365 के तहत माना जाएगा प्रशासनिक विफलता माना जाएगी, और वहां पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। राज्य सरकारों को केंद्र ने हमेशा निर्देश देता है संचार साधनों को बनाए रखने का, रेलवे की सुरक्षा का, माध्यमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए, एसटीएससी कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाना, ये हमेशा निर्देश दिया जाता है। क्लियर चीजें। एक और देखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो है आर्टिकल 263 के संबंध में देखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल, ये क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है यह कैसा है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसा बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, ठीक है। यह क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत का राष्ट्रपति जो है इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करता है, और इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या रहेगा, यह आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति इसको गठन करता है, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होता है, पीएम होते हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। यह राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को जांच और परामर्श करता है, राज्यों की विधान सामान्य मुद्दों की खोज करता है, सामान्य हित के विषयों में परामर्श देने का काम करता है। क्लियर चीजें। तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया आर्टिकल 263 में, और इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, और जो क्या होंगे इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल किए जाते हैं। क्लियर चीजें। ये इंटर स्टेट काउंसिल से हो गया, अपने जोनल काउंसिल देखा, इंटर स्टेट काउंसिल देखा, और इंटर स्टेट और वाटर ट्यूनल भी देखा, रिवर वाटर ट्यूनल को भी देखा आर्टिकल 265 के संदर्भ में। क्लियर है चीजें ये। तो ये केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर हमने बात किया। क्लियर चीजें ये। तो केंद्र राज्य संबंध जो है आर्टिकल 256 से लेकर 263 के संदर्भ में आपने देखा। मेन मेन आर्टिकल देख लीजिएगा, कौन कौन सा आर्टिकल 256, 257, 258, 262, 263, ठीक है, 312 और 352 भी देखा आपने, ठीक है। क्लियर चीजें ये। ठीक, अब देखते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध की हम चर्चा कर रहे हैं, देखिएगा इस चीजों को। केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध है संविधान के भाग 12 में इसको डाला गया है, ठीक है। और जो केंद्र राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध है वो जो है भारत शासन अधिनियम 235 से
से ही एसेटीज ले लिए गए हैं। संघ के राजस्व स्रोतों का उल्लेख संघ सूची में किया गया है, जिसमें 15 विषय शामिल हैं, और राज्य के राजस्व स्रोतों को राज्य सूची में से लिया गया है, जिसमें 20 विषय सम्मिलित हैं। समवर्ती सूची में 3 विषय सम्मिलित है, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों के कर का निर्धारण कर सकते हैं। ये कैसा था? यह 1935 के अधिनियम था। वर्तमान में देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध है, वह करों का लगाया जाना, करों का कलेक्शन करना है, और करों का कैसे विनियोजन करना है, इस आधार पर टिका रहता है। लेकिन वर्तमान में जो है, संघ सूची और राज्य सूची के अंतर्गत निहित विषयों को समाप्त कर पूरे भारतवर्ष के लिए जो है जीएसटी टैक्स लागू कर दिया गया है। तो कुछ जो है इसमें अनुच्छेद जो है वह प्रभावित हैं। इस संदर्भ में हम उन चीजों को बस देख हल्का सा देखेंगे, लेकिन इसमें क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो लागू कर दिया गया, कॉमन नियम लागू कर दिया गया है। क्लियर चीज है ये? ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, तो वित्तीय संबंध के संदर्भ में देखते हैं, आर्टिकल 265 में देखते हैं कि मतलब विधि के प्राधिकार के बिना सरकार किसी प्रकार के कर का निरूपण नहीं कर सकती। मतलब कोई कोई भी कर अगर मान लीजिए आरोपित करना है, लगाना है, तो उसके लिए क्या बनाएगा, एक कानून की प्रक्रिया होगी। कानून की प्रक्रिया के तहत ही कोई भी कर को आरोपित किया जाएगा अथवा नहीं। ठीक है, दूसरा है 1900 जो आर्टिकल 266 में केंद्र और राज्य सरकारों की संचित निधि के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। इसे राज्य से भारत का राजकोष या राज्य का राज्य कोष कहते हैं। इसको कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है। राज्य और भारत सरकार, राज्यों के और भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड की बार के बारे में इसमें बताया गया है। क्लियर है? आर्टिकल 267 जो है इमरजेंसी फंड के बारे में बताया गया है। यह भी राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। जब संसद का सत्र न चल रहा होता है, तो बजट न बना होता है, तो इस फंड से क्या क्या पैसा लेकर खर्च किया जा सकता है। कंसोलिडेटेड फंड भी, संचित निधि भी, वो भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। क्लियर चीज है ये? ठीक है, तो कुछ जो पुराने कर थे जो जीएसटी लगने से पहले, देखिए सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है, संघ और राज्यों द्वारा 71 और विनियोजित किया जाता है। आर्टिकल 268 ए में है इसको। ठीक है, करों को, कुछ करों को संघ द्वारा लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है, लेकिन राज्यों को सौंप दिया जाता है। आर्टिकल 269 के तहत है ये। करों के संघ द्वारा लगाना और एकत्र किया जाना, लेकिन राज्यों और संघों में वितरित कर दिया जाना, आर्टिकल 270। संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ खास शुल्कों और करों का अधिभार लगाया जाना, 271। ठीक है, तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा जो राज्य सरकारों का जो वित्तीय संदर्भ है, वो करों को लगाना, उसका उद्ग्रहण करना, उसका कलेक्शन करना और उसके विनियोजन करने पर डिपेंड है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जो है अनुदान दी जाती है, ग्रांट्स दी जाते हैं, ऋण दी जाती है, जिससे क्या करें, अपने वित्तीय व्यवस्था को क्या करें, बनाए रखें और वित्तीय व्यवस्था में किसी प्रकार का अड़चन ना हो। तो आर्टिकल 275 जो है, अनुदान राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान की ही चर्चा करता है। यहाँ पर क्लियर है कि ये दिए जाने वाले क्या करता है, यह अनुदान की चर्चा करता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 भी संघ या किसी राज्य की किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी प्रकार का अनुदान कर सकते हैं। इसके बावजूद इस संदर्भ में संसद राज्य विधेयिका नियमों का निर्माण किया, उसका उद्देश्य है या नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी केंद्र और राज्यों के मध्य जो है राजस्व वितरण को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, बदल सकता है। आर्टिकल 360 के समय जब वित्तीय आपात की स्थिति भारत में लागू होता है, तो क्या होते हैं, केंद्र राज्यों के मध्य जो है जितने भी फाइनेंशियल रिलेशन है या वित्तीय संबंध है, वो क्या होते हैं, वह सस्पेंड हो जाते हैं। क्लियर चीज है ये? ठीक है, और स्पेशल प्रोविजंस है ये इमरजेंसी के समय का। ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तियों का बंटवारा करने के लिए राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष में क्या करेगा, कम से कम एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, और यह वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र राज्य में जो पैसे का जो बंटवारा करना है, राजस्व का जो वितरण करना है, उसके संदर्भ में क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट तैयार कर किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जो है पार्लियामेंट में रखवाएगा। तो आर्टिकल 280 जो है वह वित्त आयोग के संदर्भ में है। वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है, 5 वर्षों का होता है। अभी 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है, जो 2015 से लेकर 2020 तक के समय
में रहेगा, 13 चीजें ये उसका कार्यकाल रहेगा, अब अगले साल के लिए अगला वित्त आयोग आएगा। ठीक है, वित्त आयोग के कार्य क्या है, राज्य अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो अभी 15वां 15th जो है फाइनेंस कमीशन जो है चल का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो राज्यों के वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए क्या करेगा, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिन सिद्धांतों पर भारत की संचित निधि से राज्यों की सहायता की अनुदान दी जाती है उसके बारे में क्या करेगा, संस्तुति देगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी अन्य वित्तीय मामले पर अपनी सलाह देगा या उसको अपना रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक है, वित्त आयोग का गठन करने की जिम्मेदारी किसको है, भारत के राष्ट्रपति को है, और अध्यक्ष समेत वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, एक चेयर पर्सन के साथ जो है वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है ये ऐसा व्यक्ति है जिसे सार्वजनिक कार्यों के बारे में अच्छा अनुभव हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या ऐसी व्यक्ति अर्थशास्त्री हो सकता है, पांचों व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति जिसे सरकार को वित्त और लेखाओं का विशेष ज्ञान है, व्यक्ति जिसे वित्तीय विषयों और प्रशासन के बारे में व्याप्त अनुभव है, ऐसे 5 व्यक्तियों का एक समूह बनेगा और उसमें जो है वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, हालांकि वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, वित्त आयोग के गठन या इसके दिए गए निर्देशों का निर्णय में कोई भूमिका नहीं है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य के वित्त आयोग के गठन के लिए भी विधि बना सकती है। ठीक है, राज्य विधानमंडल राज्य में वित्त आयोग के गठन के लिए विधि बना सकता है, हमने पंचायती राज व्यवस्था में इसको पढ़ा है, क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो ये केंद्र राज्यों के मध्य जो है वित्तीय संबंध जो है इस प्रकार से है। ठीक है, केंद्र राज्यों के अंदर जो वित्तीय संबंध है किस पर आधारित है, वो केंद्र सरकार द्वारा करों के मतलब लगाए जाने पर, करों का उद्ग्रहण किए जाने पर और उसका विनियोजन करने पर डिपेंड है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो है राजस्व का जो वितरण है वह वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। अभी जो 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल है, वित्त आयोग में जो है अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है और वित्त के संदर्भ में सभी रिपोर्ट तैयार कर किसको देते हैं, भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाता है, पार्लियामेंट में रखवाता है। ठीक है, वित्त मतलब किन राज्यों के जो वित्तीय पैसा जो अनुदान के रूप में जाते हैं, ग्रांट्स के रूप में जाते हैं और ऋण के रूप में भी जाते हैं, और किसके रूप में जाते हैं, ऋण के रूप में भी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा क्या दिया जाता है, धन या मुहैया या फिर वित्त मुहैया करवाया जाता है। इस संदर्भ में अपने आर्टिकल 268, 275, 282 और पढ़ा, और ऋण जो है 290 के संदर्भ में पढ़ा, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की कार्रवाई के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण राष्ट्रपति द्वारा बदला जाएगा, 360 के समय वित्तीय आपात की क्या स्थिति है, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, इसमें सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, सदस्य ऐसा व्यक्ति होता है जिसको सार्वजनिक कार्यों का अनुभव हो। ठीक, और इस प्रकार जो है केंद्र राज्यों के मध्य जो है हमने संबंध को देखा, और केंद्र राज्यों के मध्य जो संबंध है वो प्रमुख 3 संबंधों पर आधारित है। कौन कौन से संबंध है, आपका पहला जो है विधायी संबंध है, दूसरा प्रशासनिक संबंध है, और तीसरा जो संबंध है किस पर है, वह तीसरा जो संबंध है वह वित्तीय संबंध के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अभी तक केंद्र और राज्य के मध्य जो भी संबंध है उस पर चर्चा करने के लिए, अपना सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर एक आयोग का निर्माण हुआ और कमीशन बनाए गए। ठीक है, तो पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग बना मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1966 में। ठीक है, इसी प्रकार जो है देखिएगा दो आयोग बैठे हैं, एक सरकारी आयोग 1983 और एम पुंछिया एक 207 2007, ये महत्वपूर्ण दो आयोग हैं। इसके अलावा राजा मन्नार समिति 1969 तमिलनाडु सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसी प्रकार आनंद साहिब प्रस्ताव 1973 पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा हुआ था। तो मेन दो आयोग है, सरकारी आयोग एवं पुंछी आयोग, और इसको मेंस में आपको इंट्रोड्यूस जरूर करना है। ठीक है, और राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग मुरारजी देसाई सॉरी प्रशासनिक एआरसी प्रशासनिक सुधार आयोग मुरारजी देसाई 1966 के संदर्भ में देखिएगा। तो इतने जो है केंद्र राज्य संबंधों पर भी विभिन्न प्रकार के समिति और आयोग का याद रखिएगा, केंद्र राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध है वो किस पर आधारित है, करों के लगाने पर, उसका उद्ग्रहण किए जाने पर, उसका विनियोजित किया जाने पर, और केंद्र करों का जो विनियोजन है वो किसके आधार पर किया जाता है, वो वित्त आयोग के रिपोर्ट के आधार पर होता है। वित्त आयोग के
द्वारा किया जाता है इसका, ठीक है। 13 चीजें ये, तो इस संदर्भ में आपने आज जो है केंद्र राज्यों के मध्य जो है प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंधों की चर्चा किया। क्लियर चीजें, इसी प्रकार एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आप लोगों के भी, अब क्या होगा नेक्स्ट क्लास जब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पे होगा तो इसके संदर्भ में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे और उसके बाद जो है अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भाग 14 जो है वो किससे रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक इसमें जगह दिया गया है, ठीक है। 309 और 310 जो है केंद्र और राज्य के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और पदावधि के बारे में निर्भर किया गया। तो केंद्र सरकार के कर्मचारी जो है केंद्र सरकार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद का धारण करेंगे, और राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वह राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, ठीक है। इनकी पदावधि जो है, अगर अगर केंद्र के कर्मचारी अधिकारी हैं तो उनकी पदावधि के संदर्भ में पार्लियामेंट नियम बनाएगी, और राज्य सरकार के अगर अधिकारी कर्मचारी हैं तो उनके पदावधि के संदर्भ में नियम कानून जो है राज्य की विधानसभा बनाती है। क्लियर है। लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया अनुच्छेद 200 311 के तहत, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो है 312 के तहत किया गया है, ठीक है। इन सेवाओं की भर्ती करने के लिए जो है कमीशन जो बना है, राज्य प्रशासन राज्य सिविल सेवाओं के लिए राज्य स्टेट पीएससी बना है, इसी प्रकार केंद्रीय सेवाओं के लिए और ऑल इंडिया सर्विसेज के सेवाओं के लिए अधिकारियों की भर्ती करने के लिए यूपीएससी बना है, और जो यूपीएससी और पीएससी जो है एक ही साथ जो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक क्या किया गया इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो 315 323 में यूपीएससी के बारे में बताया, यूपीएससी की संरचना के बारे में बताया गया है, राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना के बारे में बताया गया है, और संयुक्त पीएससी के संरचना के बारे में भी बताया गया। सेम आर्टिकल में डिक्टेट होता है, यह आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक यह डिक्टेट होता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है उससे संबंध में जो है संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 के संदर्भ में इसे बताया गया है। तो हम एक एक करके कमीशन की बात करते हैं। देखिए 312 अखिल भारतीय सेवाएं, उसके संदर्भ में ही हमने पढ़ लिया है। 3 अखिल भारतीय सेवा आईएएस आईपीएस और आईएफएस है। आईएफएस को बाद में जो इंट्रो किया, न्यायिक सेवा के लिए भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं गठन का प्रावधान किया है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इन सेवाओं का नियमन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो है संसद के द्वारा किया जाता है। यदि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं को प्रस्ताव करता है तब भी इसका गठन किया जा सकता है। क्लियर चीज है ये। लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण दिया जा गया है आर्टिकल 311 के माध्यम से। तो कैसा संरक्षण दिया गया है, कोई लोक सेवक नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी के द्वारा हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। बस यह हटाए जाने से पहले सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान किया जाएगा, मतलब कोई को ऐसे ही सेवा से टर्मिनेट नहीं किया, उसको सेवा से टर्मिनेट करने का, बर्खास्त करने का पर्याप्त कारण देना होगा। क्लियर चीज है ये। तो हम कमीशन को देखते हैं, उस संदर्भ में हम पहला जो कमीशन देख रहे हैं वह कौन सा है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसमें 10 सदस्यों की संख्या जो है, 10 सदस्यों की संख्या कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति इसे बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। तो अभी एट प्रेजेंट जो है एक अध्यक्ष है और 9 जो है मेंबर है। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इनके संघ लोक सेवायोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जा रही है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए तो अपने पद से क्या हो जाएंगे, यह हट जाएंगे। 65 वर्ष की आयु और 6 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। क्लियर चीज है ये। इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं किसी समय, राष्ट्रपति को अपने पद से हट जाएंगे, या इन्हें पद से हटाया जा सकेगा कदाचार या कार्य करने की असमर्थता के आधार पर इनको राष्ट्रपति जो है उनको हटा सकता है। उस पर कदाचार का आरोप साबित हो जाता है या कार्य करने में असमर्थ है, उसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, हटा सकता है। अगर कदाचार का आरोप है तो कदाचार के आरोप के लिए जांच आयोग बैठाया जाएगा, और जांच आयोग जो है बैठेगा वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अंदर रहेगा, और
और ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है, और रिपोर्ट अगर में सही पाया जाता है तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर देता है, सस्पेंड कर देता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने क्या कर सकता है, कदाचार के द्वारा आरोप सिद्ध होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश की जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकता है, या कभी समय जो है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर क्या कर सकता है, पद को खाली कर सकता है। क्लियर चीजें? तो यूपीएससी के मेंबर्स के लिए कोई ऐसी कोई खास योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन आधे से अधिक मेंबर जो है लगभग उनको 10 वर्ष का कम से कम प्रशासनिक सेवा का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तभी। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 मेंबर हैं तो आधे से अधिक मतलब कम से कम 6 मेंबर को प्रशासनिक सेवा का अनुभव होना चाहिए, कम से कम क्लास 1 प्रशासनिक सेवा का अनुभव जो है 10 वर्षों तक का होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 370 लोक सेवा आयोग को किसी सदस्य का हटाए जाने या निलंबित किया जाए तो निलंबित कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। प्रक्रिया बता दिया मैं आपको, अनुच्छेद 300 सदस्य न रहने पर पद धारण संबंधी प्रतिषेध। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन किसी प्रकार की सेवा को ग्रहण नहीं करेगा। इसके सदस्य उसी आयोग के अथवा किसी राज्य से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य पद पर नहीं होंगे। क्लियर चीजें? अगर कोई व्यक्ति लोक सेवा आयोग के कोई व्यक्ति जो है राज्य संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य से रिटायर होता है तो वह अध्यक्ष बन सकता है, या दूसरे राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, बट वह और कोई दूसरा पद ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, यूपीएससी के चेयरपर्सन और मेंबर्स के वेतन भत्ते और सेवा की शर्तों का निर्धारण जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 320 देखिएगा। ठीक है, अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षा देना इनका कर्तव्य क्या है, तो यूपीएससी के मतलब जो कर्तव्य है इनका देखिएगा, अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षा देना, इन सेवाओं के अनुशासन के संबंधी सेवाओं पर सरकार को परामर्श देना, इन सेवाओं में पदोन्नति के संदर्भ में सरकार को परामर्श देते हैं ये। ठीक है, तो सर्विसेज के संदर्भ में रिपोर्ट तैयार करके इसको देते हैं या राष्ट्रपति को प्रेषित करते हैं। क्लियर चीज है ये? तो ये इनके क्या है, कार्य हैं। ठीक है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। इनमें सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितनी, अभी एट प्रेजेंट 10 है। सदस्यों की संख्या के संदर्भ में कोई निश्चित नियम नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति इनको नियुक्ति करता है, नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आधे से अधिक सदस्य जो है उनको प्रशासनिक सेवा का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष शासकीय सेवा का, क्लास 1 गजेटेड अधिकारी के रूप में, कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। क्लियर चीज है ये? क्या काम करेंगे, या केंद्रीय अखिल भारतीय सेवाएं केंद्रीय सेवाओं में क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों की क्या करेंगे या भर्ती करेंगे, उनकी सेवाओं के संदर्भ में सरकार को परामर्श करेंगे। ठीक है, पदोन्नति के संदर्भ में सरकार को परामर्श देते हैं। क्लियर चीजें? और ये परामर्श मानने के लिए संसद और ये एक ऐसा रिपोर्ट प्रस्तुत करके किसको देगा, हुआ राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाता है, संसद में रखवाते हैं। क्लियर चीज है ये? इसी प्रकार हम देखते हैं आर्टिकल 315 से 323 तक जो है इसी के संदर्भ में, आर्टिकल 315 से 323 जो है यूपीएससी भी है, आर्टिकल 315 से 323, आर्टिकल 315 से 323 जो है वह राज्य लोक सेवा आयोग का भी इसी के संदर्भ में आता है। ठीक है, यह भी कैसी है, एक परामर्शदायी संस्था है, यह संवैधानिक संस्था है। राज्य लोक सेवा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। पद से मुक्ति कैसे की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसे हमने यूपीएससी का हमें के देखा वैसे यहाँ भी पद से हटने की प्रक्रिया है। कदाचार किसी आरोप पर अन्य मामलों में, ठीक, कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक, वेतनमान का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष बन सकता है और कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। राज्य में परीक्षा और इसका क्या कार्य है, लिखिएगा, राज्य में परीक्षा अनुशासन और पदोन्नति करना, भर्ती पेंशन स्थानांतरण और अनुशासनात्मक मामलों में सरकार को क्या करता है, यह सलाह देता है। क्लियर चीज है ये? ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग का वैसी है जैसी मतलब संघ लोक सेवा आयोग में, तो इसमें यहाँ भी सदस्यों की संख्या की कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, राज्यपाल तय करता है सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 6 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र तक क्या कर सकता है, ये अपना जो मतलब पद पर रहेगा, उसके बाद अगर दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए तो अपने पद को क्या कर देगा, वह रिक्त कर देता है।
चीजें ये, ठीक है। उसके बाद है ज्वाइंट जेपीएससी की हम बात करते हैं, ज्वाइंट पीएससी की बात करते हैं हम, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। व्यक्ति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद से हट सकते हैं, हटा भी राष्ट्रपति सकता है। सेवा की शर्तें पर राष्ट्रपति के है कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक है, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 323 के संदर्भ में देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्यपाल और संयुक्त लोक सेवा आयोग जो अपने अपने राज्यों के राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है। संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है अपना रिपोर्ट किसको दे रहा है, संघ लोक सेवा अपना रिपोर्ट किसको देता है, अपने अपने राज्यों के राज्यपालों को देता है, ठीक है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो है सेवाओं से संबंधित जो अपना रिपोर्ट किसको दे रहा है, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल को देता है। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट किसको देता है, वह जो है स्टेट की मतलब तो राज्य सरकार को देता है, राज्यपाल को देता है, सॉरी। राज्य लोक सेवा आयोग किसको दे रहा है, राज्य को देता है। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको दे रहा है, राष्ट्रपति को देता है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है अपना रिपोर्ट किसको दे रहा है, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल को देता है। क्लियर चीज है ये। ये सेवाओं के संदर्भ में हो गया कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, देखा आर्टिकल 315 से 323 के संदर्भ में, ठीक है। ये राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों को कैसे पद से हटाया जा सकता है, जैसे यूपीएससी के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता, कार्य करने की असमर्थता या सिद्ध कदाचार के आरोप के आधार पर जो है राष्ट्रपति ही क्या करेगा, बर्खास्त करेगा। राज्यों के भी लोक सेवकों को कौन बर्खास्त करेगा, राष्ट्रपति ही बर्खास्त करता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, उसके पद से हटाते भी राष्ट्रपति है, सेवा की शर्तें भी राष्ट्रपति के अधीन है। क्लियर चीज है ये, ठीक। इसके अलावा देखिएगा आर्टिकल 323 जो है वो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करता है, किसकी बात करता है, यह एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करता है, ठीक है। तो संविधान का आर्टिकल 323 का भाग 14A है ये, ठीक है, भाग 14A है। और आर्टिकल वाइज क्या, आर्टिकल 323A है, ठीक है। एटी की स्थापना की बात करता है ये, तो दोनों स्तर पर इसका गठन कौन करता है, संसद के द्वारा की जाती है, ठीक है। दोनों स्तरों पर इसका गठन जो है संसद के द्वारा की जाती है। कार्य लोक सेवकों की सेवा की शर्तें, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि से उत्पन्न विवादों की सुनवाई करना और तर्क संगत सुझाव देना, ठीक है। तो क्या करता है, लोक सेवकों की सेवा की शर्तें, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि के से उत्पन्न विवादों की सुनवाई करता है और उसका तर्क संगत क्या करता है, सुझाव देता है। आगे की सुनवाई जो है वो अपीलेट कर सकता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। दोनों स्तरों पर किसका कौन गठन, जो इसका गठन जो है वह संसद के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। काम क्या है, यह लोक सेवकों की सेवा की शर्तें, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट और सुझाव देता है, ठीक है। तो दो दो प्रकार के ट्रिब्यूनल होते हैं, एक कैट होता है, दूसरा सैट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने केंद्र राज्यों के मध्य संबंधों पर चर्चा किया, हमने विधायी संबंध पढ़ा, हमने प्रशासनिक संबंध पढ़ा और वित्तीय संबंध पढ़ा, ठीक है। और उन चीजों को हमने समझने की कोशिश की और उसके बाद से हमने सेवाएं पढ़ी आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक, 308 से लेकर 310 तक तो है सेवा की शर्तें पदावधि के संदर्भ में है, ठीक है, पदावधि के संदर्भ में है, ठीक। और आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, संघ और राज्यों के लिए और संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए आर्टिकल आर्टिकल 315 से 323 हैं, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पढ़ा, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पढ़ा, संयुक्त लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पढ़ा, आर्टिकल 323 का के बारे में हमने पढ़ा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करता है, इसका गठन जो है संसद, दोनों स्तर पर गठन संसद के द्वारा हो रहा है, लोक सेवकों की सेवा शर्तें के उत्पन्न विवादों को सुलझाने का काम करता है, तर्कसंगत सुझाव देता है, आगे की सुनवाई उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में होती है, कैट और सैट के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर चीजें। तो आप लोग जो आज कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास की, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में आपने संविधान का भाग 11, भाग 12 और भाग 14 जो है सर्विसेज को पढ़ा, केंद्र राज्य संबंधों
को भी पढ़ा आपने, और इससे रिलेटेड मुझे आशा है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को बना लेंगे, ठीक है। अभी जो लास्ट सीजन चल रहा है, जनवरी महीने में प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लीजिए। मेरा कोड UGM10 वो आप उपयोग कीजिए, ठीक है, और वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।